हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो हम लोग आज बात करेंगे लेजर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की, जो अक्सर एग्जाम में यूनिवर्सिटीज के पूछा जाता है, जो कि है रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स कोफिशियंट्स ए एंड बी। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में ये डिमांड भी करी थी इस टॉपिक के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स स्टूडेंट्स के आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को, डिमांड को लेकर के। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी टॉपिक्स को इंक्लूड इसमें कर पाऊँ। तो धीरे धीरे थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मगर मिल जाएंगे आपको सारे के सारे टॉपिक्स। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे चीजें, उसके लिए कुछ प्री नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी हम किसी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। वो क्या नॉलेज है, फिर भी हम उसके बारे में डिटेल जहां यहाँ पर आएगा उसके डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्या चाहिए हमें हमें रेट इक्वेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि एब्जॉर्प्शन के लिए रेट इक्वेशन क्या होती है, या एब्जॉर्प्शन क्या चीज है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिम्युलेटेड एमिशन क्या होता है। सिमिलरली दूसरा जो इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एक इक्वेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा प्लांक रेडिएशन लॉ, इन चार चीजों के बेसिक कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप बहुत आसानी से इस डेरिवेशन को समझ लेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं और जहां जहां पे इसकी जरूरत होगी उनको डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। तो रेट इक्वेशन लिखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा कि एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिम्युलेटेड एमिशन में डिफरेंस क्या होता है। तो आइंस्टीन ने, अगर बात करें इन प्रोसेसेस की, जैसे स्टिम्युलेटेड एमिशन है तो 1917 के अप्रोक्स इन प्रोसेसेस के बारे में बताया था। और एक चीज और खास बात ये भी बताऊं आपको कि आइंस्टीन ने इन प्रोसेसेस के बारे में बताया तो था, बट वो सक्सेसफुली लेजर का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, इन्वेंशन है जो लेजर की, वो किन के नाम पर है, डॉक्टर टीएच मेमन के नाम पर है, जिन्होंने आइंस्टीन के उन सारे कॉन्सेप्ट्स को कंपाइल किया और एक लेजर का प्रैक्टिकली सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया था। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करना, एक्सटर्नल एनर्जी दी जाए और उसको एटम्स ग्राउंड स्टेट के एब्जॉर्ब कर लें, तो वो प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन। और इस प्रोसेस से होता क्या है, जो ग्राउंड स्टेट के एटम्स होते हैं वो एक्साइट होकर के एनर्जी लेकर के हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल काफी डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जिनके लिंक आपको यहां पर मिल जाएंगे। स्पॉन्टेनियस एमिशन, जब एटम्स नीचे से यानी कि ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच चुके हैं और आप वो ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट के नीचे आते हैं और एक फोटोन को एमिट करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। सिमिलरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ लेजर टॉपिक विच इज वॉट इज स्टिम्युलेटेड एमिशन, वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन। अगर 2 मार्क्स में स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन क्या है, तो वहां पे आपको क्या लिखना है, स्टिम्युलेटेड एमिशन। क्या है प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन, स्टिम्युलेटेड एमिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन। इसमें क्या होता है कि सपोज अगर कर लें कि एटम हमारा एब्जॉर्प्शन से कहां पर है, ऊपर एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच चुका है, ये जो अपर स्टेट होती है ये एक्साइटेड स्टेट कहलाती है, जो लोअर स्टेट होती है वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट कहलाती है। जब एटम ऊपर से नीचे आता है अपने आप तो वो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं कुछ और उस एक्सटर्नल एनर्जी को ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे कुछ फोटॉन्स इस पर अगर टकरा जाएं, कोलिजन हो जाए इनका इसमें, तो इनके कारण क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली तो एक फोटोन एमिट कर ही रहा है, और ड्यू टू दिस एक्सटर्नल एनर्जी जो हमने यहां से एक्सटर्नल एनर्जी दे रखी है, इसके कारण भी यहां पर क्या होता है, एक अनदर फर्दर एक नया फोटोन इंड्यूस हो जाता है, जिसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मींस जिसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन सब कुछ कैसा होता है, जो कि आइडेंटिकल होता है प्रीवियस फोटोन के जैसा, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस से निकल रहा है। तो कह सकते हैं कि जब हमारा स्टिम्युलेटेड एमिशन होता है वो एक एम्पलीफाइड एमिशन होता है, रेडिएशन होता है फोटॉन्स का, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन। इन सारी प्रोसेस के लिए हम यहां पर मैथमेटिकली जब एक्सप्रेशन देते हैं तो उसको बोलते हैं रेट इक्वेशन। तो आइए देखते हैं कि इस डेरिवेशन में
किस तरीके से रेट इक्वेशन को लिखा जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, जहां पर हम कहें कि स्टेट ऑफ बैलेंस, किसी भी एनर्जी स्टेट की अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात करें, एक ऐसा लेवल जहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए, मींस टेम्परेचर का लेवल एक जैसा आ जाए, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन के बराबर होते हैं। तो इन सब चीजों का हम आगे यूज करेंगे, तो फिलहाल मैंने रब कर दिया ताकि जहां यहां पर हम आएगा उसको वहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर रेट इक्वेशंस की। रेट इक्वेशन फॉर एब्जॉर्प्शन, तो रेट इक्वेशन स्टूडेंट्स इसको लिखा जा सकता है dN1 by dt से, और सफिक्स में यहां पे हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं जिससे हमें यह पता लग रहा है कि dN1 by dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम रेट है किसका, पॉपुलेशन का चेंज होने का। जो पॉपुलेशन है, N1 क्या चीज होती है, पॉपुलेशन होती है। हमेशा याद रखेंगे एब्जॉर्प्शन में जो ग्राउंड स्टेट होती है ये N1 स्टेट है, ये N2 स्टेट है। यहां से जब एनर्जी देते हैं तो ये इस पर स्ट्राइक करते हैं और इस स्ट्राइक के कारण इसमें एक्साइटेशन होता है और ये एटम ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो कौन सी पॉपुलेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, N1 से N2 की तरफ चेंज आ रहा है, तो इसलिए यहां पर dN1 by dt लिया गया है, ये याद रखिएगा। अब ये प्रोसेस जब होती है तो मैथमेटिकली इसको क्या दिखा रहे हैं कि इसमें N1 B12 U ओमेगा, इसकी रेट इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा क्या लिखी जाती है, N1 B12 U ओमेगा। इसका क्या मतलब है, इसको आप प्रोपोर्शनलिटी करके भी दिखा सकते थे, फिर B12 कांस्टेंट लगा सकते थे, मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो N1 है ये पॉपुलेशन है, ठीक, ये क्या है पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट। B12 यहां पर क्या है, ट्रांजिशन कांस्टेंट, स्टूडेंट्स याद रखिएगा ट्रांजिशन कहां से कहां की तरफ हो रहा है, इसको बताने के लिए आइंस्टीन ने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया यहां पर जिसको कहा गया B12। B12 का मतलब क्या है, इस लेवल वन से लेवल टू की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, जैसा कि इस फिगर में देख पा रहे होंगे आप कि एटम कहां से मूव कर रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर रहा है, ये ग्राउंड स्टेट है, या इसको हम लोअर एनर्जी स्टेट भी कह सकते हैं, तो ये एक्साइटेड स्टेट है। तो अब यू ओमेगा क्या चीज है, इसको हम एनर्जी डेंसिटी या इसको हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी जो यहां से हमने ये प्रोवाइड कर रखी है, ये एक्सटर्नल एनर्जी क्या चीज है, ये एनर्जी डेंसिटी, जिसे यू ओमेगा से हमने यहां पर डिनोट कर रखा है। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस जो किए गए होते हैं वहां पर ये यू ओमेगा की जगह कोई दूसरा लेटर यू न्यू भी लिखा हो सकता है, तो वहां से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस याद रखें कि ये टर्म जहां पर आ रहा है दैट मींस वी हैव प्रोवाइडेड एन एक्सटर्नल एनर्जी। और आइंस्टीन ने दो कॉन्स्टेंट लिए थे, ए और बी, दो प्रकार के कॉन्स्टेंट लेने का पर्पज यहां पर क्या था आइंस्टीन का, कि उन्होंने कहा जब भी एक्सटर्नल एनर्जी का यूज हो रहा होगा तो वहां पर हम बी कांस्टेंट का यूज करेंगे, अगर किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी जा रही है तो वहां पर हम ए कांस्टेंट का यूज करते हैं, जैसा कि हम जस्ट अगले वाले में इसको देख सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन वन। दूसरी जो इक्वेशन है वो है हमारी रेट इक्वेशन फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस एमिशन में आपको अभी बता चुका हूं ऑलरेडी क्या होता है, एटम्स का एटोमेटिक अपने आप नीचे आना, जब ये ऊपर चला गया तो ऊपर गया है तो कुछ टाइम रुकने के बाद 10^-8 सेकेंड एवरेज लाइफ टाइम एक्सेटर स्टेट में जो इसका रहता है उतना टाइम रुकने के बाद ये क्या करता है नीचे आ जाता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट को आ जाता है और एक फोटोन को रिलीज करता है इस तरीके से। और यहां पर ऐसा प्रोसेस होने के लिए वी नेवर रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट, दैट मींस वी हैव टू यूज ए कांस्टेंट। तो यहां पर जब भी मैथमेटिकली इसको शो करेंगे तो हम क्या लिखेंगे dN2 by dt, मैथमेटिकली हम लिख रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन की रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन का मतलब है ट्रांजिशन की
इक्वेशन जो ट्रांजिशन को बता रही है। dN2 by dt means कौन सी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, देख सकते हैं N2 लेवल पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वही हमारा कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो रेट इक्वेशन dN2 by dt पर्टिकुलर टाइम में इस पे चेंज आ रहा है। अब क्या चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन कौन सी हो रही है N2 की, क्या हम यहां पर एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट ए। अब ये क्योंकि ट्रांजिशन कांस्टेंट है तो ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, टू से लेके वन की तरफ हो रहा है। हमने यहां पर किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं दे रखी है तो एनर्जी डेंसिटी नहीं रखेंगे और ये एज इट इज इक्वेशन बन जाएगी टू। सो स्टूडेंट्स ये हमारी रेट इक्वेशन हो गई स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। दिस स्टिमुलेटेड एमिशन इज ऑल्सो नोन एज द इंड्यूस्ड एमिशन, इसको हम इंड्यूस्ड एमिशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स इसको जरूर तैयार कर लें, पढ़ लें कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। अब रेट इक्वेशन इसके लिए देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो ये भी डी एन टू बाई डी टी ही है। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान है, नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूं क्या होता है। इसमें भी सेम वही बात है कि अभी एब्जॉर्प्शन से एटम पहुंच चुका है यहां पर ऊपर और इसको नीचे आना है, और हम ये जानते हैं कि नीचे आएगा तो एक फोटोन तो वो रिलीज कर ही रहा है। अगर इस टाइम पे इनपुट एनर्जी कंटिन्यूअसली हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये इनपुट एनर्जी यहां पर ऊपर एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट एटम को भी स्ट्राइक करेगी और इसके कारण एक और आइडेंटिकल यहां पर फोटोन हमें मिलता है, तो जिसको हम कह सकते हैं कि हमें एम्प्लीफाइड फोटॉन्स की वैल्यू यहां पर मिलती है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड एमिशन, क्योंकि यहां पर एक एच न्यू अलग से इंड्यूस हुआ है जो कि किसके कारण हुआ है, यहां पर एक्सटर्नल एनर्जी देने के कारण। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में जब फोटोन ऊपर से नीचे आता है तो वो दो आइडेंटिकल फोटोन्स को एमिट करता है, तो यहां पर इसलिए dN2 by dt लिखा है, यहां भी dN2 by dt है, लेकिन अंतर क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है, ये स्टिमुलेटेड है। स्टिमुलेटेड में एनर्जी हमने अलग से देनी होती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि इंड्यूस एमिशन हो सके। तो इसमें भी पॉपुलेशन स्टेट कौन सी इन्वॉल्व है, ध्यान रखना है N2 स्टेट इन्वॉल्व है। इसमें हमने क्योंकि एनर्जी दे रखी है तो बी हम कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, बट जो ट्रांजिशन होगा बी टू वन होगा और एनर्जी देने के कारण यहां पर यू ओमेगा को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है वो क्या बनी है, dN2 by dt stimulated equation equal to N2 B21 U omega। याद रखना है U omega क्या इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है। एनर्जी डेंसिटी मीन्स ये जो एक्सटर्नल एनर्जी हमने प्रोवाइड कर रखी है, जहां जहां जिस कंडीशन में, तीन ही कंडीशन है एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड, तो दो में हमने, वन और थ्री में हमने एक्सटर्नल एनर्जी दी, स्पॉन्टेनियस में हमने किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिक नीचे आना ही आना है उसको। तो स्टूडेंट्स यहां पर तीन इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है, जो ऑब्जेक्ट है मेन, वो क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशियंट ए एंड बी। तो अब इसके लिए हम क्या जानते हैं कि दो जब लेवल हैं एनर्जी लेवल, तो कुछ ही टाइम के बाद इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव होने लगती है। तो जो मैंने अभी लिखे भी थे चार पॉइंट आपको की पता होने चाहिए प्री नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको ऐसे कुछ समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी रूम में आप बैठे हैं और वहां पर किसी एक पॉट में आपने आइस डाल दी, ठीक, पूरा आइस से भर दिया है, दूसरा एक में आपने हॉट वाटर रखा हुआ है गर्म बिल्कुल, ठीक, और तीसरे में हमने नॉर्मल वाटर रखा हुआ है, तो तीनों को हमने क्या करा, एक साथ ला करके तीनों पॉट में, ये सारे तीनों में एक साथ रख दिया, आइस भी रख दी, इधर हॉट वाटर डाल दिया, इधर नॉर्मल वाटर डाल दिया। तो होगा क्या, कुछ टाइम के बाद ही, किसी रूम में रखा हुआ है एक ही कमरे के अंदर ये तीनों पॉट रखे हुए हैं, तो कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, देयर विल बी चेंज इन द स्टेट ऑफ दीज
मटेरियल्स, यहां पर आइस का जो फॉर्म है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उस वाटर का टेम्परेचर कुछ समय के बाद रूम टेम्परेचर के बराबर ही हो जाएगा। ऐसे ही बहुत गर्म जो वाटर था, उबला हुआ उबलता हुआ पानी हमने रख दिया था मान सकते हैं, तो वो भी रूम टेम्परेचर के बराबर ही आ जाएगा। उसका टेम्परेचर भी, उस वाटर का, हॉट वाटर का टेम्परेचर भी फिर कैसा हो जाएगा, नॉर्मल वाटर के बराबर हो जाएगा। नॉर्मल वाटर पहले से ही नॉर्मल था, उसका जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही सेट है। मींस कहने का क्या है कि कुछ टाइम के बाद ही, हमने भले ही इसमें अलग से चीजें दी थी, एनर्जी अलग से भी प्रोवाइड करी, किसी को बहुत ठंडी एनर्जी दी थी, किसी को बहुत गर्म दी थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस सिस्टम में, उस रूम क्या है, एक सिस्टम है, उसके अंदर क्या हुआ, एक थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हुई कि सबका टेम्परेचर एक जैसा हो गया। उस का मतलब है कि अब बैलेंस कंडीशन आ गई, वहां पर किसी भी प्रकार का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसी तरीके की कुछ इक्वेशन या कंडीशन हमें लेजर सिस्टम में भी मिलने लगती है। वो क्या होती है, हम जानते हैं कि अपर या अपवर्ड जाने वाले ट्रांजिशन जो होते हैं वो कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन, और जो डाउनवर्ड्स आने वाले ट्रांजिशन है वो कौन से हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन है और स्टिम्युलेटेड एमिशन है। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कुछ टाइम के बाद इस लेजर सिस्टम में भी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन होने की वजह से जितने नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन है वो और जितने नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन है वो इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्टूडेंट्स याद रखना है, क्या याद रखना है, नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशंस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशंस। सो स्टूडेंट्स, अब आपको यहां पर ये याद रखना है या ध्यान देना है कि कौन से ट्रांजिशन अपवर्ड है, कौन से डाउनवर्ड है, उनको हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन से ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो रेट इक्वेशन जो एब्जॉर्प्शन के लिए हमने दी थी, ये किसके लिए है, ये अपवर्ड ट्रांजिशन के लिए है। तो यहां पे कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन का मतलब है डी एन वन बाई डी टी एब्जॉर्प्शन की किसके इक्वल होगी, डी एन टू बाई डी टी स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस डी एन टू बाई डी टी स्टिम्युलेटेड एमिशन। सो स्टूडेंट्स, यहां पर ये वैल्यू है एन वन बी वन टू यू ओमेगा, ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारी एब्जॉर्प्शन की रेट इक्वेशन की वैल्यू, और स्पॉन्टेनियस एमिशन की वैल्यू है इक्वेशन टू से एन टू ए टू वन प्लस इक्वेशन थ्री से जो हमारे पास वैल्यू है वो है एन टू बी टू वन यू ओमेगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने यहां पर जो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कुछ टाइम के बाद जो अचीव होगी उस लेजर सिस्टम में, उसको हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि हमारा एम चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, याद रखना है कि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में, तो यहां पर जो एनर्जी डेंसिटी हमें दिखाई पड़ रही है इसको हम सेपरेट कर लेंगे, बाकी चीजों को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो यू ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा एन वन बी वन टू माइनस एन टू बी टू वन इक्वल टू एन टू ए टू वन। यहां से यू ओमेगा सेपरेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी एन टू ए टू वन अपॉन एन वन बी वन टू माइनस एन टू बी टू वन। सो स्टूडेंट्स, यहां पर इसको पॉपुलेशन रेशियो के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें या कहें कि एन वन बाई एन टू कर दें इसको, तो ये लिखा जा सकता है
एन वन बाई एन टू बी वन टू माइनस बी टू वन। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें जो ये रिलेशन मिला या कहें कि जो एक क्वेश्चन मिल गई वो क्या मिल गई है, यू ओमेगा इक्वल टू ए टू वन अपॉन एन वन बाई एन टू बी वन टू माइनस बी टू वन। इसको स्टूडेंट्स नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर फोर। अभी हमने वन टू थ्री क्वेश्चन नंबर वहां पे ऑलरेडी दे दिए हैं, तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन नंबर फोर हमें मिल चुकी है। सो स्टूडेंट्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसकी एक इक्वेशन है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किसी भी एनर्जी स्टेट के लिए, पॉपुलेशन के लिए दिया जाता है। तो ये इक्वेशन होती है एन इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर एन नॉट ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन के टी के होता है। तो नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फोर। तो इक्वेशन नंबर फोर है हमारे पास, तो यू ओमेगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए टू वन अपॉन एन वन अपॉन एन टू। जब एन वन अपॉन एन टू रखेंगे स्टूडेंट्स तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा और ई टू दी पावर माइनस ई वन और इधर हो जाएगा माइनस ई टू, फिर से करेंगे तो माइनस होने के कारण ये सिंबल हो जाएगा प्लस में। तो हम इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर ई टू माइनस ई वन अपॉन के टी। ये पूरी वैल्यू एन वन अपॉन एन टू की हमने यहां पर लिख दी है। साथ में इसके चल रहा है बी वन टू माइनस बी टू वन। सो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बनी आफ्टर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एन वन एंड एन टू यूजिंग बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर अगेन द इक्वेशन फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज एन इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन के टी। सो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास जो ये इक्वेशन बन रही है, अभी मैंने यहां पे फोर्थ वैल्यू लिखी थी जो आपको मैंने कहा था कि प्री नॉलेज होनी चाहिए, वो थी हमारी प्लांक्स रेडिएशन लॉ की इक्वेशन। तो ध्यान से अगर देखें इसको तो ये कुछ उसी की तरह बनती हुई इक्वेशन लग रही है। इसको हम प्लांक रेडिएशन लॉ के फॉर्म में लाने के लिए क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं हम। तो ए टू वन है कॉमन, देखिए यहां से अगर मैं बी वन टू हटा दूं तो बी वन टू को बाहर ले लूं अगर, तो अंदर बचेगा ये e की पावर एच न्यू बाई के टी, इसको मैं लिख दे रहा हूं एच न्यू बाई के टी। क्यों लिख दिया, क्योंकि e2 माइनस e1 की वैल्यू क्या है एच न्यू के बराबर है। तो यहां पर ये वैल्यू माइनस बी टू वन अपॉन बी वन टू के हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये हमने कॉमन लिया तो कुछ ऐसा टर्म हमें मिलने लगा, और ये टर्म हमने ऐसा क्यों बनाया है इसको नाम दे देते हैं कुछ इक्वेशन नंबर फाइव। तो फोर इक्वेशंस ऑलरेडी हम ले चुके थे, तो यहां पर ये हमारे पास जो इक्वेशन फाइव आई है इसको हम प्लांक रेडिएशन लॉ से कंपेयर कर देंगे। तो प्लांक रेडिएशन लॉ से कंपेयर क्यों करेंगे, ताकि हमें ए और बी के जो फॉर्मूले हैं या कहें कि रिलेशन है वो हमें मिल जाए। तो यहां पे लिखते हैं हम स्टूडेंट्स फ्रॉम प्लांक्स रेडिएशन लॉ। तो क्या है प्लांक रेडिएशन लॉ, तो ये यू ओमेगा के टर्म्स में अगर कहा जाए तो ये होता है ए पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब वन अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। तो स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखिएगा कि ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करती है, माइनस वन इसके नीचे ही है। तो यहां पर इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन सिक्स। तो नाउ व्हेन वी कंपेयर दीज इक्वेशन फाइव एंड इक्वेशन सिक्स वी कैन इजीली गेट द वैल्यूज ऑफ ए टू वन एंड बी वन टू। सो स्टूडेंट्स नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फाइव एंड इक्वेशन नंबर सिक्स,
इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को अगर हम कंपेयर कर दें तो कंपेयर देखिए किस तरीके से होगा। यहां पर ये जो पूरा पार्ट है ये पूरे इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इधर अगर मैं मान लू कि यहां पे 1 है तो 1 अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 है ऊपर, और यहां पर ये वैल्यू है, तो 1 वाली जो ये जो वैल्यू है ये इस 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहां पर ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि ए टू वन अपॉन बी वन टू इसकी वैल्यू होगी किसके बराबर, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब के। तो यहां से हमें एक ये रिलेशन मिला जिसको हम नाम दे सकते हैं कुछ इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली दूसरा जो रिलेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है बी टू वन अपॉन बी वन टू इक्वल्स टू 1। तो यहां से इसको हम क्या कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट्स ये वैल्यू बन जाएगी बी टू वन इक्वल टू बी वन टू। सो इसको नाम दे देते हैं कुछ इक्वेशन नंबर 8। तो फाइनली स्टूडेंट्स दीज इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 आर द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशियंट ए एंड बी। सो लिख सकते हैं यहां पे दीज इक्वेशन 7 एंड 8 आर रिप्रेजेंटिंग आइंस्टीन कोफिशियंट्स। तो आइंस्टीन कोफिशियंट का जो रिलेशन है वो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या है मिल रहा है। अब ये दोनों इक्वेशन से मिल रहा है तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, सिग्निफाई क्या कर रहा है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी चीज जो 8th नंबर के क्वेश्चन से हमें मिल रही है, क्या मिल रही है कि जो ट्रांजिशन कोफिशियंट है, जो ट्रांजिशन कॉन्स्टेंट है, चाहे वो अपवर्ड का हो चाहे वो डाउनवर्ड का हो, मीन्स बी टू वन है 2 से 1 डाउनवर्ड और 1 से 2 अपवर्ड, ये दोनों ट्रांजिशन कोफिशियंट कैसे होते हैं, इक्वल है। दूसरा इन दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू हमें मालूम है, दोनों में से किसी भी ट्रांजिशन के बारे में अगर हम उस प्रोसेस के बारे में नॉलेज रखते हैं तो दूसरी प्रोसेस के बारे में हम प्रिडिक्शन आसानी से कर सकते हैं, या यहां पर ऐसे बात कहें इन दोनों में से कोई एक चीज मालूम है उसकी वैल्यू हम यहां रखेंगे। तो अब अगर बी वन टू हमें मालूम है तो हम ए टू वन की वैल्यू को यानी कि आइंस्टीन के इस कोफिशियंट की वैल्यू को पता कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ए टू वन हमें पता है तो स्पॉन्टेनियस की वैल्यू अगर हमें मालूम है, स्पॉन्टेनियस एमिशन अगर हम प्री डिफाइंड रखना चाहते हैं तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा एब्जॉर्प्शन का रेट कैसा होगा, या हम ये भी पता लगा सकते हैं कि स्टिम्युलेटेड एमिशन का रेट कैसा होगा। तो किसी एक प्रोसेस के बारे में मालूम हो, या हमको जब लेजर को डिजाइन करना होता है, लेजर को प्रोड्यूस करना होता है, तो तीनों स्टेट को मैथमेटिकली इसी तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है कि क्या इक्वेशन रखें कि हमारी जो स्पॉन्टेनियस स्टिम्युलेटेड की वैल्यूज है मैथमेटिकली वो क्या निकल के आएंगी। तो वहां पर ये आइंस्टीन का जो कोफिशियंट है वो सिग्निफिकेंस रखता है। स्टूडेंट्स एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे बात करें एकेटीयू की या इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की जहां पर लेजर सिलेबस में है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको आपको तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। उन 4 चीजों को जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी आप ध्यान कर लीजिएगा तो डेफिनेटली आप इस डेरिवेशन को एग्जाम में कर पाएंगे और आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। स्टूडेंट्स जो भी आपके और भी फर्दर डिमांड, वैसे तो आप लिखते ही रहते हैं फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि धीरे धीरे ऐड करूं सारे टॉपिक्स को। अगर कोई टॉपिक आपके माइंड में आ रहा है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई चीज आपको अच्छी लगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम तक आपकी बात पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।